हम बात कर रहे हैं इजी ट्रिप की। अगर लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो हमको 1% के अपसाइड के साथ इसमें क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। और हम देख सकते, इससे पहले भी वीडियो में हमने लगातार डिस्कस किया है कि जो जोन है इसका मेजर सपोर्ट जोन है 37 का लेवल। लगातार हमको इस लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इससे पहले भी इसी लेवल पर हमको सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया था, और इसी लेवल पे इसने इससे पहले रिजेक्शन फेस कर रहा था। जब इसको ब्रेकआउट दिया था तो हमको 55 तक के यहाँ टारगेट देखने के लिए मिले थे। और अगेन जब हम देख सकते हैं जूम चार्ट पैटर्न, हम और अभी मार्केट का ट्रेंड भी पॉजिटिव है और स्टॉक अपने सपोर्ट जोन पर ही है, अपने सपोर्ट जोन पर ही कंसोलिडेट हो रहा है। ये इसका तगड़े सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से हमको कभी भी बड़ा जंप देखने के लिए मिल सकता है। किसी भी वक्त हमको यहाँ से बड़ा जंप देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इसका तगड़ा सपोर्ट है और अपने सपोर्ट के ऊपर ही स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट होता हुआ हमको नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं कि यहाँ से अभी इसका ट्रेंड हमको बदल ट्रेंड इसका बदलते हुए चेंज होते हुए हमको नज़र आ रहा है। अगर स्टॉक 40 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो वैसी कंडीशन में हमको यहाँ बड़ी तेज़ी लगातार देखने के लिए मिल सकती है इजी ट्रिप में। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। अभी हमको नज़र रखना है 40 के लेवल पर। अगर 40 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो आप ऐसी कंडीशन में अगला टारगेट हमारा बनेगा 44 का लेवल, और इसको ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक अपने इस हाई को भी ब्रेकआउट देकर हमको 50 तक के टारगेट इजीली बता सकता है। सपोर्ट इस वक्त सपोर्ट जोन पे 37 का इसका तगड़ा सपोर्ट है, हम ऑलरेडी कह चुके हैं, और इसी के ऊपर स्टॉक सस्टेन हो रहा है तो यहाँ से ब्रेकआउट देने के पूरे पूरे इसके चांसेस बन रहे हैं।